एक डाउट है, लाइक अगर फेसबुक ऐड डिसेबल हो जाए तो वो इनेबल्ड हो सकता है सर, अगर पूरा ट्राई कर लिया हो तो? अगर उनका आखिरी में ये डिसीजन आ चुका है कि यू आर परमानेंटली डिसेबल्ड, नहीं हो सकता। यस सर, तो नहीं हो अगर सकता सर? नहीं, फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसके पहले उनने आपको एक दो ट्राई दिए होंगे रिक्वेस्ट रिव्यू करने के लिए, आपने अपनी आईडी सर वगैरह रिक्वेस्ट दी। रिव्यू करने के लिए दिया था, लेकिन रिक्वेस्ट रिव्यू जब किया था ना, रिक्वेस्ट रिव्यू किया था तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया उस टाइम भी, रिक्वेस्ट को रिव्यू करके तभी डिसेबल कर दिया फर्स्ट टाइम में। नहीं, ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो ना, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। बचने का एक तरीका तो ये है कि आप सिस्टमेटिकली बिजनेस मैनेजर बनाओ। पहले बिजनेस मैनेजर बना ओके के सर, उसमें पेजेस वगैरह को ऐड करो, ठीक है? और कोई एक बंदा, जैसे कि अगर आप ऐड चला रहे हो तो आपकी जो पर्सनल यस फेसबुक सर, आईडी है, आपकी पर्सनल यस सर, फेसबुक आईडी जो है वो आप ही के नाम पे होनी चाहिए, और उसमें जो फोटो है और जो नाम है वो आपके आधार कार्ड से मैच खाना चाहिए। एक्चुअली सर दिक्कत ये है कि आधार कार्ड पे जो नाम है सिर्फ सरनेम नहीं है, सिर्फ नाम नाम है, और फेसबुक पे जब आईडी क्रिएट करते हैं वो सरनेम नेसेसरी मांगता है, वो विदाउट सरनेम एक्सेप्ट करता हाँ, तो अगर आपका सो पैन कार्ड हो, जो लाइसेंस हो, आईडी वेरिफिकेशन पैन कार्ड पर भी सर सेम ही नाम है सर, डॉक्यूमेंट्स पे जो होगा वो सिंपल मेरे जो डॉक्यूमेंट्स के नाम है उस पे किसी पे सरनेम नहीं है, दिक्कत यहाँ पर आ रही है सर। सर कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं, बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? और सर एक डाउट था कि जो फेसबुक एड्स रन में एड्स मैनेजर होते हैं, ठीक है, हाँ तो उसमें हाँ लिमिट कैसे इंक्रीज हो सकती है? काय की लिमिट? जैसे मैं पर डे मान के चलता हूँ कि मेरे पर डे का जो बजट है वो अप्रोक्स 30 से 40 हज़ार रुपये है, ठीक है, हाँ, बट जो एड मैनेजर में स्टार्टिंग में तो 3 हज़ार रुपये ही देते हैं, पर डे का इसको बजट कैसे आपको इंक्रीज इंक्रीज, करें? अच्छा वो क्रेडिट में कट रहा होगा तो 3,000 रुपए की लिमिट आ रही है ऐसा कुछ? जी, प्रीपेड अकाउंट है, हाँ ऐसी डेबिट कोई कार्ड। दिक्कत पहले तो नहीं थी। खैर अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप एक काम करो, आप वो पेमेंट को क्लियर करते चलो, धीरे धीरे आप बजट बढ़ा पाओगे एकदम ओके, से, अगर अप्रोक्सीली उसमें मतलब वहां पे तो स्पेंड में कर चुका हूँ सर, अराउंड 8 to 10 लाख में कर चुका हूँ, उसी बट मैं अकाउंट उसको से। और भी इंक्रीज, जी मतलब कि स्पेंड कर दिया हूँ, लेकिन पर डे वही अभी 20,000 ही है, उसको मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। मुझे पर डे की रिक्वायरमेंट है अप्रोक्स 60 to 70,000। यार ऐसी क्वेरी अभी मैं अब देख के बताऊंगा इसका आंसर, मुझे एक बार मुझे ध्यान तो आ रहा है कुछ तरीका था इसका, बिजनेस मैनेजर में जाके कुछ करते हैं तो उससे बढ़ता है बजट, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ फिलहाल। अभी आपकी लिमिट कहाँ पे रुक गई? 20,000 रुपये पर डे? जी, मुझे चाहिए कम से कम 40 to 50,000, और अभी मैं उस अकाउंट में स्पेंड कर चुका है अराउंड 8 to 10 लाख्स। आपने अभी तक और भी कोशिश करी होगी इसको बढ़ाने की, कुछ इधर उधर सर्च किया होगा, आपको क्या मिला अभी? सर टीम से मैं बात किया था, टीम वही बोलती है टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना हो, फॉलो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उन लोग एक्सटेंड करते रहते, 1 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिक्स बढ़ जाएगी, बट ऑटोमेटिक्स कब तक बढ़ेगी टाइम टेकन ही बताते नहीं है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड लगा आपका, के डायरेक्ट, सॉरी, नहीं ये जो आपका अकाउंट है इस पे जो आप ऐड चलाते हो, ये एक ही क्लाइंट के लिए ऐड चलता है कि बहुत सारे क्लाइंटों का ऐड एक ही अकाउंट से चल रहा क्लाइंट्स, है? एक ही क्लाइंट का ऐड चल रहा है, 8-10 लाख रुपए एक खर्च ही भी कर क्लाइंट्स रहे की हो। चलती है, और 18-20 कैंपेन चलती है, 30 कैंपेन चलती है, कैंपेन में लगभग रहती है अप्रोक्स 2,000-3,000 रुपये पर डे का बजट। तो बजट तो काफी हाई है, लेकिन अब ऐसी दिक्कत आ रही है तो अभी तो फिलहाल मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है स्पेसिफिक। सर हाँ क्रेडिट कार्ड लगा के लाइक बिल आएगा, उसकी बिल की पेमेंट कर दे, उसमें जितना लिमिट स्पेंड करना, ऐसा नहीं होता है? हाँ ऐसा होता है मेरे ख्याल से। किसका सवाल था वो, कौन बोल रहा था? अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम। बोल रहा था सर, हाँ रविश। रविश, हाँ रविश, आप प्रीपेड को पोस्टपेड करो, मतलब उसमें क्रेडिट कार्ड लगा के देखो। क्रेडिट कार्ड लग जाएगा ओके, तो उसमें बिल ऑटोमेटिकली बिल आएगा तो उसको बिल को पे कर दो सीधा सिंपल। हाँ, क्योंकि ये तो जो उसकी लिमिट तो प्रॉब्लम, 20,000 ही रहेगी ना? नहीं, ये देखो जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हो ना रविश, वो प्रॉब्लम जो है क्रेडिट कार्ड वाले केस में तो कभी देखने में नहीं आई। लाखों रुपए भी डाल दो, लाखों रुपए भी स्पेंड कर दो वन तो डेज में हो आप, जाती है 1 लाख रुपया? हो जाएगा, नहीं, आप एक्चुअली क्रेडिट उसमें कार्ड लिमिट लगाओ। नहीं होती है, अच्छा उसमें ये होता है कि आप लगा जितना मर्जी ऐड चलाओ, ऐड चलने के बाद जितना बिल आएगा उसको पे करना होता है बस। ओके, तो एड्स भी तो चलेगा सर, 20,000 का अगर लिमिट है, 20,000 तो 20,000 ही क्रेडिट कार्ड भी
लगेगा मेरे हिसाब से। अरे आप क्रेडिट कार्ड देखो उसमें कैसा एक्सिंग रहता करता है है, ज्यादा। क्रेडिट कार्ड के केस में कैसा रहता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड लगाते हो, मान लो ठीक है आज आपका 20,000 रुपए का बिल बना, वो क्रेडिट कार्ड वो ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा आपके अकाउंट से 20,000 रुपए, ठीक है। जब 20,000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे फिर अगली बार वो आपको 30,000 या 25,000 रुपए तक के ऐड चलाने देगा, फिर उसके बाद वो डिडक्ट करेगा। जब ऐसे 2-3 बार जब वो डिडक्ट कर लेगा और उसको ट्रस्ट पड़ता है तो वो खुद ही लिमिट बढ़ती जाती है। हाँ रवीश ऐसा करके रवि आप ऐसा करके देखो, क्रेडिट कार्ड लगा के उसका ऑटोमेटिक पेमेंट करके देखो, फिर बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। हाँ बोलिए बोलो। सर, मेरा भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था सर। मैंने भी ई कॉमर्स का शुरू किया है, बट सेल लाना बहुत मुश्किल हो रही है। ट्रैक क्या करे, मतलब बहुत सी चीजें, मैट्रिक, प्रॉपर मैट्रिक कौन सा ट्रैक करे, स्केल कैसा करे, पहला सेल कैसा जनरेट करे, क्या ऑडियंस, मतलब सीबीओ एबीओ, मोस्ट ऑफ द थिंग। मैं बोल रहा हूँ सर अशफाक, कहाँ से बोल रहे हैं अशफाक आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अच्छा तो आप जिसका ऐड चला रहे हो वो उससे वो एकदम नया अकाउंट है कि पहले भी उसमें कोई मतलब ऐड चलते थे? अच्छा न्यू न्यू अकाउंट है सर। देखो तो न्यू अकाउंट में तो दिक्कत आती है। तो अभी आप जो ऑब्जेक्टिव क्या लेके चला रहे हो ऐड कैंपेन में? कन्वर्जन सर से सर, किड प्रोडक्ट है, स्लाइम पता है सर, वो ऐसा क्ले के जैसा रहता है, वो प्रोडक्ट है, उसका क्या ऐड है? रन कर रहे हैं। स्लाइम स्लाइम क्ले के जैसा होता है ना सर, अच्छा 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 बच्चे लोग के लिए सेटिस्फाइंग वीडियो आपने देखा होगा हाँ टिकटॉक उस हाँ पर हाँ मैं चलते, समझ। वो प्रोडक्ट है वो। हाँ तो देखो अभी ऐसा नया अकाउंट है ना, नए अकाउंट में तो बहुत दिक्कत रहती है, पर अब नए अकाउंट में क्या है कि शुरू में ज्यादा बजट जाएगा। आप कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव लेके चला रहे हो तो उसमें आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो आपको डिटेल टारगेटिंग पे ऐड चलाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट बनेगा, जो मतलब जो आपका कस्टमर बनेगा जो परचेस करेगा, वो किस चीज में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको डिटेल टारगेटिंग में एक एक टॉपिक डाल के एक एक एड सेट बना के आपको चला के देखना पड़ेगा कि कौन से एड सेट से अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारी चीजों को अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हाँ सर, वही मैट्रिक्स। डिटेल टारगेटिंग में ट्राई करके देखना पड़ेगा। दूसरी चीज आप ट्राई कर सकते हो वो है कि का अगर वेबसाइट विजिटर है तो ऑब्वियसली उसका आप लुक अलाइक बनाओ, और उस लुक अलाइक को आप उस लुक अलाइक पे आप ऐड चला के देखना हो तो भी उससे फर्क पड़ेगा। बिजनेस भी न्यू है, बिजनेस भी नया है? 3 महीना हुआ है नहीं बस। उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो नया बिजनेस है, नया अकाउंट है और प्रोडक्ट भी थोड़ा अलग टाइप का है, तो ये एक चैलेंज है। और ये चैलेंज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए, कोई भी होता तो उसके लिए चैलेंज होता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई और होता तो इसमें फटाफट से कन्वर्जन आ जाता। अब इस ये जो आप बता रहे हो ना, इसमें भी एक पूरी जर्नी क्रिएट होगी। कैसे कि अब भैया नया प्रोडक्ट है तो आपको डिटेल टारगेटिंग में ट्राई करके देखना पड़ेगा, आपको वीडियो ऐड चला के देखना पड़ेगा। वीडियो ऐड चला के आप देखो कि वीडियो में वीडियो व्यूज चला के देखो आपकी, कौन आपके वीडियोस को पूरा देख रहा है, ठीक है। जो आपकी वीडियोस को पूरा मतलब वीडियो कम से कम 15 सेकंड से ऊपर का हो, और कौन आपके वीडियोस को 15 सेकंड से ज्यादा देख रहा है, ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है। फिर जब इन लोगों की ऑडियंस बन जाएगी, मतलब जिन लोगों ने आपके वीडियो को 15 सेकंड से ज्यादा देखा है, उन लोगों की जब ऑडियंस बन जाएगी तो उस ऑडियंस का आपको लुक लाइक बनाना है, और उस लुक लाइक को लगा के फिर आपको कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव चूज करके ऐड चला के देखना है, ठीक है। और आपको जो वीडियो हो वो वीडियो बहुत ही क्लियर हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के यूज के बारे में, बेनिफिट के बारे में। मतलब अगर कोई इस वीडियो को पूरा देखे तो अपन को ये समझ में आ जाना चाहिए कि सामने वाला उस टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा, इसलिए वो पूरा देख रहा है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आपको डिटेल टारगेटिंग करके देखना पड़ेगा। डिटेल टारगेटिंग में देखो शुरू में बहुत खर्चा आता है। खर्चा क्यों आता है? क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि किस पे रिजल्ट आएगा, ठीक है। मान लो आपने 4 कीवर्ड ऐसे, किसके घर से आवाज आ रही है, ठीक है, आप अनम्यूट कर लेना जब आपको बोलना हो। फिलहाल मैंने म्यूट किया। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ डिटेल टारगेटिंग आप करके देखोगे, उसमें अभी आपको भी क्लियर नहीं कि किस पे रिजल्ट आ रहा है। आपको जो ज्यादा सटीक लगे उस डिटेल टारगेटिंग को यूज करके आपको ऐड चलाना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि फाइनल रिजल्ट तो आप क्या चाहते हो, कन्वर्जन। पर कन्वर्जन से पहले क्या होगा? इनिशिएट चेकआउट। इनिशिएट चेकआउट से पहले क्या होगा? ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट से पहले क्या होगा? प्रोडक्ट व्यू या कंटेंट व्यू, ठीक है। कंटेंट व्यू से पहले क्या होगा? लैंडिंग पेज व्यू या वेबसाइट विजिटर बनेगा कोई, ठीक है। तो ये पूरी जर्नी, अब देखो आपका कन्वर्जन तो जीरो चल रहा है तो आप देखोगे क्या इनिशिएट हो रहा है क्या? इनिशिएट भी जीरो चल रहा है तो ऐड टू कार्ट हो रहा है क्या? ऐड टू कार्ट भी जीरो चल रहा है तो क्या प्रोडक्ट व्यू हो रहा है क्या? प्रोडक्ट व्यू भी जीरो चल रहा है तो लैंडिंग पेज जो
जो डिटेल टारगेटिंग आपको लैंडिंग पेज करा के दे रही है, आप उसी में थोड़ा पैसा बढ़ा के देखो, फिर जब उसमें पैसा बढ़ेगा फिर आप देखो कि और अलग अलग ट्राई करके देखना, फिर उस आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रोडक्ट व्यू, फिर आपको वही जर्नी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और मीन वाइल आपको दूसरे डिटेल टारगेटिंग में ट्राई करना है। मीन वाइल जो मैंने वीडियो वाला बताया कि वीडियो से भी बहुत ज्यादा सटीक ऑडियंस बनती है, उसको भी आपको ट्राई करके देखना है। और दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, दिक्कत तो आएगी, आसान है ही नहीं। फिलहाल जब से iOS के ये जो पॉलिसीज अपडेट हुई उसके बाद से कन्वर्जन लाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप घबराओ मत, वो तो दिक्कत आपको क्या जो भी चलाएगा उसको भी आएगी, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट रहना, ऐसा मत सोचना कि आपसे बन नहीं रहा, ठीक है। वो दिक्कत तो आएगी और आपको आपको अपनी तरफ से कोशिश करते जाना है, देखो क्या होगा, या तो रिजल्ट आएगा या तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट भी वैसा होना चाहिए। और दूसरी चीज, ये सारी चीजें करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपने जो एड बनाया है वो एड भी सही है कि नहीं, उसमें जो कॉपीराइट लिखा है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है, वो भी प्रॉपर है कि नहीं, उस पर भी ध्यान देने की बात है। ये खैर ये सारी चीजें कोर्स में बताई हुई है, लेकिन फिर भी इन पे आप ध्यान रखना। और हाँ, इवेंट्स वगैरह प्रॉपर क्रिएटेड होने चाहिए। आप सबसे पहले अपने इवेंट्स को चेक कर लेना, है ना। नहीं, उसमें ये भी चेक करना है कि जो गूगल एनालिटिक्स में जो नंबर दिखा रहा है वही नंबर लगभग आपका फेसबुक का इवेंट्स मैनेजर भी दिखा रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें थोड़ी वेरीफाई होनी चाहिए, मतलब सारी चीजें सही ट्रैक हो रही हैं कि नहीं, है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ सर, मैं ये प्रजापति रूपेश बोल रहा हूँ। हाँ रूपेश बोलो, कहाँ से बोल रहे हो? हेलो सर, सर मैं नवसारी से, गुजरात। हाँ नवसारी से बोलो, केम छो? हाँ मजा मा सर। हाँ तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपको आगे भी शेयर किया था कि मैंने एड चलाया वो रिजेक्ट हो रहा था, पता है आपको? हाँ ऐसा कोई ध्यान तो आ रहा है मुझे, तो क्या कारण आ रहा है रिजेक्ट होने का? उसमें सर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बता रहा है, लेकिन मैंने और भी फोटोज चेंज करके देख लिए, सबके अंदर एक ही इश्यू बताता है। कॉपीराइट इश्यू आ रहा था वो वाला तो नहीं बोल रहे आप? हाँ सर वही बोल रहा हूँ, उसके अंदर मैंने फोटोज भी चेंज करके देख ली, प्रोडक्ट भी चेंज करके देख लिया सब, तो भी कॉपीराइट का इश्यू बताता है हर बार। तो सुनो, तो आपने कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन में किसी कंपनी का नाम तो नहीं लिख रखा है? नहीं सर, डिस्क्रिप्शन जो एड बनाते उसमें ना। हाँ नहीं सर, उसमें नहीं लिखा था। तो फिर यार अभी ऐसे तो मैं कैसे बता दूंगी क्यों ऐसा हो रहा है, आपका किसी दिन एड अकाउंट और देखना पड़ेगा। नहीं सर, एड अकाउंट भी मैंने अकाउंट भी चेंज किया, पेमेंट पॉलिसी भी मैंने जो दूसरा अकाउंट किया ना उसमें पेमेंट का सिस्टम भी चेंज किया, दूसरे के फोन से किया पूरा प्रोसेस। अच्छा, आपका केवल एड रिजेक्ट हो रहा है, एड अकाउंट डिसेबल तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, एड अकाउंट डिसेबल नहीं हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम है, एड रिजेक्ट हो रहा है। हाँ, ओनली एड रिजेक्ट हो जाती है हर बार, बहुत ट्राई कर लिया, अब तो मैंने एक महीने से बंद कर दिया लास्ट में कंटाल के, मैं बोला अभी नहीं करूंगा, करना है लेकिन गूगल पे ट्राई कर रहा हूँ, उस पर भी ट्राई किया, उस पर अभी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, तो वापस आपके वीडियो देख रहा हूँ। वैसा करते हैं, कल शाम को 7:30 बजे करीब आप मुझे मैसेज करना, आपके अकाउंट को एक बार देख लेंगे, हो सकता है मुझे कुछ समझ में आ जाए क्या दिक्कत आ रही है, तो उस हिसाब से, क्योंकि उसमें तो फिर छानबीन उसमें तो क्या छानबीन करनी पड़ेगी, कहीं तो आपने ऐसी चीज कर रखी होगी जिसके कारण जो फेसबुक का मशीन लर्निंग है वो ऐसा डिटेक्ट कर रहा है कि कहीं पे कॉपीराइट इशू हो रहा है, या तो फिर जो एरर आ रहा है उसको भी अच्छे से पढ़ के देखना पड़ेगा। तो सर कोई बात नहीं, कल 7:30 बजे मैं आपको मैसेज करता हूँ। सलमा सर, हाँ बोलिए सर, गूगल एड्स का पूछ सकते हैं सर? गूगल एड्स में ये जो नेटवर्क का ऑप्शन होता है, इसमें ये जो दो ऑप्शन आते हैं, यूट्यूब सर्च रिजल्ट और एक यूट्यूब वीडियो, ये हाईलाइट होते हैं, टिक होता है इन पे ब्लू कलर का, बट सर मेरे में नहीं हो रहा। तो आपको टिक करवाना है कि नहीं करना? हाँ जी, टिक कराना है मुझे। तो आपने खुद टिक करके ट्राई किया, टिक ही नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा सर। तो फिर ऐसा मेरा ये ऐसा हो सकता है कि जो आपने एड ऑब्जेक्टिव शुरू में चूज किया होगा ना बनाते समय एड, तब आपने कोई ऐसा एड ऑब्जेक्टिव चूज किया होगा जिसमें वो नेटवर्क पे ऐड नहीं चल सकता होगा, इसलिए वो टिक नहीं हो रहा होगा। आपने क्या बोला मैडम, क्या नहीं हो रहा है? नेटवर्क पे जो दो ऑप्शन आते हैं ना, यूट्यूब सर्च रिजल्ट और एक यूट्यूब वीडियो, ये ऑलरेडी ब्लू टिक होते हैं सबके, लेकिन मेरे ये हाईलाइट नहीं है। यूट्यूब कनेक्ट है आपका अकाउंट से? हाँ, यूट्यूब भी कनेक्ट है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, सिर्फ ये जो ये ऑप्शन है ना, वीडियो पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, मेरे ये है, ये ब्लू टिक हो रहा है मेरा,
ऊपर के दो ऑप्शन नहीं हो रहे। एक बार रचना जी आप मुझे आपका जो जहाँ पे आप बता रहे हो ना ब्लू टिक नहीं हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजना जरा, ठीक है व्हाट्सएप। सर भेजा था मैंने आपको व्हाट्सएप पे और ये भी बोला था सर प्लीज रिप्लाई, फिर भी आपने रिप्लाई नहीं किया। हाँ, वो बहुत सारे व्हाट्सएप रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार हाँ रिमाइंड करा दूंगी दोबारा। हाँ तो मैंने अभी ऐसा सोचा है कि क्या फिर मैं बहुत सारे व्हाट्सएप रहते हैं फिर वो क्या है अनरीड मैसेज जो है वो नीचे जाते जाते फिर मैं सबको ढूंढ ढूंढ के तो नहीं पढ़ पाता, तो ऐसा करते हैं कि आप भेजना फिर से मैसेज, मैं कल टाइम निकाल के देखता हूँ, ठीक है। ठीक है सर मैं आपको हाँ जी कल भेज। बताओ नेक्स्ट कोई सवाल सर, तो मेरे आपका एड मैनेजर डिसेबल कर देता है क्रिएट करते ही। जैसे मतलब सिंगल एड रन नहीं करता, मतलब एड रन किया कैंपेन क्रिएट किया वैसे ही डिसेबल हो जाता मेरे एड अकाउंट से। अच्छा तो आपने अपना आपने अपना फेसबुक आईडी का नाम और अपने आधार कार्ड का नाम सेम कर लिया है क्या सर? अब आधार आईडी का सर डॉक्यूमेंट का जो नाम है तो आपको पता है कि सर डॉक्यूमेंट का नाम चेंज नहीं हो सकता उससे सर मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट से, और बाकी जो फेसबुक है वो फेसबुक करने नेसेसरी है वो मांगता ही मांगता जबरदस्ती तो उसके सरनेम डाल देता हूँ क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में सरनेम लगाया इनको तो इस चक्कर में रह गया था तो इसलिए सरनेम फिर यार आप तो नहीं लगा। फिर आप ऐसा करके देखो कि आप किसी और फ्रेंड या कजिन या रिश्तेदार का किसी का एड अकाउंट ऐसा यूज करो जिसका वो सब सेम हो, क्योंकि अपन फेसबुक को तो जाके नहीं समझा पाएंगे सारी बात, समझ रहे हो फेसबुक के साथ अपन। सर एक चीज और पूछना था, जैसे सर सपोज करो कि मैंने फेसबुक एड में अमाउंट एड कर रखा है, ठीक है सर, और मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया और वो अकाउंट रिफंड आ जाएगा सर? वो नहीं आते। नहीं आते सर? हाँ नहीं आते, नहीं आते सर। फिर वो पैसे बर्बाद जाते हैं सर मतलब? हाँ बर्बाद। ये तो बड़ा बेकार सिस्टम है फिर तो सर। अरे तो वो तो है ही बेकार सिस्टम, वो बेकार सिस्टम है। और सर सबसे फिर तो सर गूगल का सही है, गूगल में कम से कम एटलीस्ट अकाउंट डिसेबल हुआ था उनको एक रिक्वेस्ट डाली उन्होंने अकाउंट में पैसे तो कम से कम रिफंड कर दिए थे। अरे ये फेसबुक वाले तो पैसे खा जाते, इसलिए तो बोलता हूँ मैं आप लोग है ना बिजनेस मैनेजर बनाया करो, बिजनेस मैनेजर में सारी डिटेल अच्छे से डाल के फेसबुक आईडी में अपना नाम और अपना आधार कार्ड। बिजनेस मैनेजर भी मैंने बना रखा सर। हाँ पर वो अभी क्या हो गया कि आपका एक बार डिसेबल हो गया ना जिसको आप वापस ठीक नहीं कर पाए हो, तो अब वो क्या है आपका ईमेल आईडी आपका मोबाइल नंबर डिटेक्ट करके और बार बार आपकी आईडी या आपका बैंक अकाउंट आपका मोबाइल नंबर आपका ईमेल आईडी और आपका बैंक अकाउंट इन तीनों में से कोई भी एक चीज सेम रहती है तो वो अगला एड अकाउंट भी डिसेबल हो जाता है। और सर मैं एक पता एक एक एड मैनेजर से कितने मतलब एड एक अकाउंट से कितने एड मैनेजर क्रिएट हो सकते हैं शायद मेरे को फेसबुक वाले से बात थी। इसकी तो लिमिट आप गूगल पे सर्च करके देख लेना यार, मुझे ध्यान नहीं कितने एड मैनेजर क्रिएट हो सकते हैं, उसमें ऐसा रहता है कि धीरे धीरे सब चीज सही चलती जाती है तो लिमिट बढ़ती जाती है एड मैनेजर्स की, ज्यादा एड मैनेजर जो है पार्टनर्स के जुड़ते जाते हैं, सारी चीजें आप सही करते जाओ आपका ऐड रिजेक्ट ना हो डिसेबल ना हो तो ज्यादा एड्स जुड़ते जाते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है, मैं संजय बात कर रहा हूँ। हाँ संजय बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी फेसबुक ऐड मैंने रन करा है और अभी मैं अपने ही करता था, अब मैं अब चाहता हूँ अपने क्लाइंट का करूँ जैसे करोल बाग दिल्ली मार्केटिंग का वहाँ के शॉपकीपर्स का, तो उनसे कितना चार्जेस लेना चाहिए शुरू शुरू में? अब आपके आप पहले पता कर लो कि आपके एरिया में जो एजेंसियां हैं वो क्या चार्ज कर रही हैं, है ना? और दूसरा क्वेश्चन सर ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है तो हम उनको जो एजेंसियां जो चार्ज कर रही हैं उसके बाद फिर आप अपना भी ये देखना कि आप किस लेवल पे हो, अगर आप जिस लेवल पे हो और एजेंसियां आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं तो आपको उतना तो नहीं लेना चाहिए ऑब्वियसली, तो आप थोड़ा एजेंसियां अगर 20% ले रही हैं तो आप 15% 12% पे बात करना, अगर एजेंसियां 15% ले रही हैं तो आप 10% 12% पे बात करना अगर आप नए हो तो ऑब्वियसली, है ना? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि अगर कोई भी फेसबुक एड रन करते हैं हम किसी क्लाइंट को बोलते हैं तो हम उनको क्या बोलें कि वो कन्वेंस हो जाए अपनी एड चलाने के लिए, जैसे मैं उनको बताता हूँ सर आपका इससे बेनिफिट होगा एड चलाओगे अननोन पर्सन को दिखेगा अगर उनको जरूरत होगी तो वो आपको वहीं से बिजनेस लीड जनरेशन दे देंगे, ठीक है, मतलब SMS फोन नंबर आपको तुरंत कर लेंगे, बट वो कोई भी जो भी शॉपकीपर्स हैं जिनको हम सर्विस दे रहे हैं वो कहता है हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, तो हम उनको किस तरह कन्वेंस करें कि वो हमारी लीड कन्वर्ट हो जाए? अरे पहले तो आप ऐसा आदमी ढूंढो कि जिसको खुद को लगता है जरूरत हो, ठीक है, जिसको जिस ऑडियंस को पहले ही से ये लगता है कि उसको जरूरत नहीं उसको आप जाके, क्योंकि देखो आगे जब आप एड चलाओगे
उसके बाद फिर वो बोलेगा कन्वर्जन, फिर वो बोलेगा कि मैं इतना बजट नहीं दे रहा, बहुत सारी समस्या आएंगी। तो आप जब स्टार्टिंग भी ऐसी जगह से करोगे कि जो खुद ही ऐड नहीं चलाना चाहता तो उसका ऐड अभी मत चलाओ, अभी तो आप उनका ऐड चलाओ जो खुद ऐड चलाना चाहता है। आप जबरदस्ती किसी को बोलोगे तो फिर क्या है, उसको कब तक समझाएंगे और कहाँ कहाँ तक समझाएंगे? वो तो जिसको ऐड चलाना रहता है ना, उसको लगभग लगभग उसके अंदर कहीं ना कहीं इच्छा वो आपको जता देगा कि हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं इसको चलाना तो है, मैं सोच रहा हूँ। तो वो ऐसे आदमी को कन्विंस करना ज्यादा सही रहेगा, बल्कि उस आदमी के कि जो खुद ही मुंह से बोल दे रहा है कि हमें नहीं चलाना ऐड, हमें जरूरत ही नहीं, उसके पीछे मत पड़ो। ऐसा है, अगर मैं उनको रीमार्केटिंग करूँ, उनको बार बार ऑफर सेंड करूँ कि आपके ये फायदा होगा, हमने कन्वर्ट कर 2-3 क्लाइंट के ऐड चलाए हैं, वो भी आपके निश के हैं। जैसे डेंटिस्ट ले लिया, मान लो मैंने एक डेंटिस्ट का चलाया ऐड, फिर वही पहले वाले कस्टमर को अप्रोच करा कि देखो हमने पहले डेंटिस्ट का चलाया तो उनका ये रिजल्ट है, क्या वो फिर काम देंगे क्योंकि रिजल्ट उनको शो हो रहा है वहां पर? देखो अगर आपके पास सही में रिजल्ट है तो फिर तो वो आपको काम दे भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही में रिजल्ट नहीं है और अब आप सिर्फ उनको ऐसी बातें बता रहे हो तो बहुत सावधान हो जाओ, क्योंकि रिजल्ट आना भी टफ है। आप उनको अगर कन्विंस कर भी लोगे और आगे रिजल्ट नहीं आता तो फिर आपका नाम और शुरू से ही खराब होने लग जाएगा। हाँ अगर आपके पास सही में रिजल्ट है तो फिर आप बात करो उस हिसाब से। देखो आजकल के समय हाँ बोलो आजकल के समय में ना अधिकतर व्यापारियों को, अब आप तो दिल्ली से बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर, आपसे तो बहुत सारी बात भी हुई है और आपके सारी वीडियो ऑलमोस्ट मैंने सारी देखी भी हुई है। हाँ तो अब आप दिल्ली से बोल रहे, तो ऐसे में ऐसी जगहों पे तो क्या अधिकतर व्यापारियों को पता है कि किसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है और किसको नहीं है। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली ऐसे आदमी से बात करें जिसको जरूरत है, वो जो जो एजेंसी ढूंढ रहा है या जो ऑलरेडी किसी एजेंसी से चला रहा है पर दुखी है, ठीक है, तो उसको भी अपन अप्रोच कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? हाँ बोलिए उमेश सर। उमेश हाँ बोलो। उमेश मैंने जैसे अपनी कंपनी के लिए भी एड चलाया था ना, हाँ तो उसमें रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं काफी सारे, तो जैसे मैं कई जगह अटका तो मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी किए थे। हाँ। और थैंक्स टू गॉड की मेरे मैसेज का आपके थ्रू मेरे को सेटिस्फाइडली आंसर भी मिले सारे, मतलब मेरे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे मैसेज बिना रीड किए हुए नीचे पहुंच गए हों या फिर मुझे रिप्लाई ना मिला हो, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनके रिप्लाई नहीं भी आए, अच्छी बात। मैंने नोटिस करा तभी मैं इस बात को आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सारी चीज नेगेटिव वे में नहीं है, ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा ग्रुप है तो कई बार चीज आप वो नहीं कर पाते होगे, लेकिन मेरे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि भाई आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई करा। और दूसरी बात ये है कि है ना, बाकी सबके ऐसे मैंने डाउट्स देखे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जैसे कि एज अ बिगनर मैंने स्टार्ट करा मेरे साथ में नहीं आई, क्योंकि जैसा कि अभी एक भाई ने बताया कि अगर मैं जाके कन्विंस करूं तो उसके बाद में वो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो जो आपने बात कही कि भाई सामने वाले बंदा इंटरेस्टेड होना चाहिए, तो जो मेरे सर थे वो इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने मेरे से कन्वर्जन की डिमांड करी ही नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आप अपने तरीके से चलाओ मैं आपको 5,000 रुपए महीने दे दूंगा। तो 3 महीने तक मैंने ऐड रन करा और रेस्पॉन्स भी मिला उसमें, बहुत अच्छी बात है। अब तो बात करूंगा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अब एक जैसे कि अब डाउट्स ऐसे ना, तो एक डाउट्स मेरे भी थे कुछ जो मैंने नोट डाउन करे थे सर, बोलो। तो उसमें ये ऐसा है कि कॉलिंग का ऑप्शन आ रहा था बार बार, जैसे मैंने अपना बिजनेस मैनेजर सेट किया तो उसमें मेटा मार्केटिंग के थ्रू जैसे कॉल आई तो उन्होंने अपने तरीके से मेरे एड सेट करवाए और मतलब हफ्ते भर तक उन्होंने एड रन कराया कि भाई आप एक काम करो 3 एड एक साथ रन करो, लीड जनरेशन का और कॉलिंग का और मैसेजेस का। तो मैंने कहा 3 एड रन करने की जरूरत क्या है, पहले एक जर्नी, जैसे कि आपने एक जर्नी की भी बात करी, मैं शुरू से देख रहा था, मेरी आवाज देखो मैं आपको बताऊं, वो उन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप ज्यादा पैसा खर्च करो। हाँ फेसबुक का तो वही चीज है कि उन पे ट्रस्ट करा जा सकता है। देखो उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को समझो, लेकिन आपका पैसा आप अपने हिसाब से खर्च करो। अगर वो कोई स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ना, वो स्ट्रेटेजी तो लगभग सही बताएंगे, वो जो भी लोग आपसे बात करते हैं वो समझदार लोग ही रहते हैं, लेकिन पैसा जब खर्च करने की बात आ रही है तो पैसा आप अपने हिसाब से खर्च करो। वो आपके वो खुद आके तो आपका पैसा नहीं डाल देंगे उसमें, लेकिन वो बस आपको अलग अलग बातें बोल के, उनका काम ये रहता है कि अगर मतलब कुल मिला के उनको फेसबुक का धंधा बढ़ाना है। फेसबुक ने एक स्कीम निकाली है जिस स्कीम के तहत आप लोगों को समझाओ बुझाओ, जैसे कि आप मेरे से बात कर रहे हो, बस मेरे जैसे आदमी को फेसबुक चुन लेता है और बोलता है कि आपको इनसे बात करनी है और आपको इनका बजट बढ़वाना है, ठीक है,
आप इनको, अब जैसे अपने पास चार स्ट्रेटेजी है तो वो चार स्ट्रेटेजी एक एक ना करके मैं तुमको बोलूंगा कि चारों एक साथ लगाओगे तो तुमको वैसे भी, और मिनिमम फेसबुक ने पहले ही रख दिया कि मिनिमम 80 रुपए से कम में आप ऐड चला नहीं सकते, तो आप चार चलाओगे तो आपको वैसे ही ज्यादा बजट, ऐसा करके बजट बढ़ाने की स्कीम रहती है वो। तो आप उनकी बातों में मतलब स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बजट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना डिसीजन खुद लेके चलना। हाँ तो मतलब हम उनको कॉल करके सुन सकते हैं, कहीं अटक रहे हो तो उन्हें समझ सकते हैं, लेकिन जब बजट की बात आए तो वो हमें डिसाइड करेंगे कि सर हमें तो एक ही स्कीम चलानी है और 5 दिन के लिए ही चलानी, हम 10 दिन के लिए नहीं चलाएंगे। हाँ चलिए ठीक है दोस्तों। और एक चीज और, हाँ बोलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर बस, जैसे एक आपका गूगल पर मैंने इसमें कोर्स के अंदर ही देखा था जिसमें आपने कीवर्ड्स चुनना सिखाया था, तो मेरा जैसे प्रिंटिंग का बिजनेस है तो फेसबुक के अंदर मैं कीवर्ड्स कैसे डिसाइड करके उसको मार्केटिंग में यूज कर सकता हूँ? फेसबुक में तो कीवर्ड वाला सिस्टम नहीं चलता है ना, फेसबुक में नहीं चलता कीवर्ड, गूगल एड्स में होता है। तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग डालते तो हैं कि ये ऐसा नहीं, देखो फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में जो अपन डालते हैं वो तो अपन एक मार्केटिंग लाइन डालते हैं, है ना, कि अपन पिच करने वाली लाइन डालते हैं कि भैया ऐसे पढ़ के सामने वाला कन्विंस हो और वो काम करे जो अपन चाहते हैं, जैसे कि एड पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाना, लीड देना या परचेस करना, तो उसको अपन क्या बोलोगे, है ना, जैसे वो आता है ना हर माल 10 रुपए, तो पिच हो गई आपकी, लाइन हो गई, ठीक है, तो इस टाइप का वो डिस्क्रिप्शन जो फेसबुक में चलता है, गूगल में अलग चीजें चलती है। गूगल में फेसबुक ऐड रन कैसे करेगा, मतलब कीवर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है फेसबुक ऐड से? नहीं, फेसबुक का कीवर्ड से कोई लेना देना नहीं है, फेसबुक तो जबरदस्ती ऐड दिखाता है यार आपको भी, तो आप फेसबुक चलाओगे आपको जबरदस्ती ऐड दिखते हैं, लेकिन फेसबुक को पता रहता है कि आपकी नीयत क्या है, ठीक है, तो जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको ऑनलाइन के एड्स दिखाएगा वो, ठीक है, उसको पता है कि आप क्या करते हो डेली रूटीन। सर मेरे एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो। हेलो, मेरा क्वेश्चन ये भी है। हाँ बोलो। नमस्ते सर, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है सौरभ, अब तुम ही बोल लो। हाँ सर, सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि मैंने कोर्स तो आपका किया है पर मुझे ये भी पता चला कि अगर स्टार्ट करना होगा तो किसी एक नीच को पकड़ के हमें आगे बढ़ना होगा, मतलब SEO हो गया नहीं तो फेसबुक ऐड या कोई और, तो उसके बाद का स्टेप क्या है, मतलब क्लाइंट्स को वगैरह मतलब कैसे पिच कर सकते हैं हम लोग, और मतलब मुझे वो स्टार्टिंग जाननी थी। देखो एक जाना माना रास्ता तो ये है कि आप किसी एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा चीजें ज्यादा सीख लो, ठीक है, और फिर बहुत ज्यादा सीख के किसी के यहाँ आप इंटर्नशिप करो, किसी एजेंसी में लग जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, भले फ्री में लग जाओ, भले वो आपको कुछ नहीं दे, अपना खर्चा लगा के आप जाओ, और एक बार अगर आप किसी एजेंसी में लग गए और आपने 2 से 3 महीने काम कर लिया तो उसके आगे का रास्ता आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना। के बाद आप फिलहाल तो अभी मुझे मतलब इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना। हाँ मतलब बेस्ट तरीका वही है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा सक्सेस देखी है, कि आपको क्लाइंट भी आसानी से नहीं मिलेगा अगर आप नए हो तो, ठीक है, और आपके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा क्योंकि आप नए हो, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है खुद भी ऐड चलाने के लिए और आपके ऊपर कोई पैसा लगाएगा भी नहीं, लेकिन एजेंसी वालों को लोग पैसे देते हैं और एजेंसी वाले जो है सस्ता करने के लिए किसी भी नौसिखिए को भी ऐड संभालने को देते हैं, मौका देते हैं, सिखाते भी हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको क्या फ्री में एक आदमी मिल रहा है, उनको पता है कि मुझे बताना आधा ही घंटा और ये काम दिन भर करेगा, तो उस लालच में वो आपको मौका दे सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा, अगर ये भी नहीं मिल पाता तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है आगे। अच्छा अपन नेक्स्ट लाइव का कब कर सकते हैं इस हफ्ते में? देखो आज तो संडे का हो गया, संडे के बाद अब बाकी वीकडे में एक लाइव करके अपन देखते हैं, तो कौन सा दिन सही रहेगा सर? जैसे संडे ठीक रहेगा सर, क्योंकि संडे सारे फ्री भी रहते हैं सर। नहीं संडे के अलावा, संडे को तो रहेगा ही लाइव, संडे के अलावा एक वीकडे में भी रहेगा। सैटरडे इवनिंग सर, फ्राइडे सैटरडे रख सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे ठीक है, तो फिर देखते हैं, नहीं तो संडे को ही दो बार भी रख सकते हैं। नहीं एक्चुअली क्या होता है, जैसे आज जो अपनी बात हुई, अब क्या होता है आप कुछ चीज को इम्प्लीमेंट करोगे और फिर कल परसों फिर डाउट आ जाएगा, ठीक है, चलो वो तो अपन व्हाट्सएप क्वेश्चन और है मेरा। नहीं अब देखो टाइम लिमिट खत्म हो गई, अब अपन नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, ठीक है, और चल अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन और। नहीं कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा कंटिन्यू, अपन नेक्स्ट लाइव में आपका डिस्कशन करेंगे, नहीं तो आप लिख के रखना या तो आप व्हाट्सएप करना, थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। धन्यवाद आप सब लोग आए, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करते रहना, उम्मीद मत तोड़ना, मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करने की लेकिन सब लोग नहीं पाते हैं, और अपन मैं आपको
मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट लाइव कब कर रहे हैं अपन, वीकडे में एक लाइव कर लेंगे नहीं तो, या तो फिर सैटरडे के दिन ही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन।